अच्छा, सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप बटर मिल्क, और इसमें मैं डालूंगी 2 एग, और ये मसालों में मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून साल्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, या 1 टेबलस्पून ले लें, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, और ये मिक्स हर्ब है ये 1 टीस्पून। अब इनको हम आराम से डाल के इसमें बटर मिल्क में, तो आराम से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर बटर मिल्क नहीं है आपके पास तो आप 1.5 कप मिल्क लेके उसमें लेमन जूस डालें, 2-3 टेबलस्पून लेमन जूस, फिर उसको 15-20 मिनट के लिए या 1/2 आवर के लिए छोड़ दें, तो वो फिर बटर मिल्क बन जाएगा। अब ये सारा मिक्सचर जो मैंने बनाया बटर मिल्क में, इसको हम इसमें डाल देंगे। तो अब इसको हम मैरिनेट करके इसी में कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे, तकरीबन 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें, 3-4 घंटे के लिए भी आप कर सकते हैं। तो बस इसको मैं 3-4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी मैरिनेट होने के लिए। अच्छा, ये कोटिंग के लिए, हाँ मैं बता रही हूँ आपको, 1.5 कप फ्लावर, प्लेन फ्लावर जो होता है, 1/2 कप कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छा, इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, हाफ भी डाल सकते हैं, अगर आपने हाफ डालना है हाफ डाल सकते हैं। ओके, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून हमने मैरिनेशन में भी डाला हुआ है ना, बस 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और चिकन को मैंने मैरिनेशन करके फ्रिज में रखा हुआ है, तो आपने फ्राई करने से पहले आपने फ्रिज से निकाल के रखना है, बहुत ठंडा हमने फ्राई नहीं करना। अगर हम उस ठंडे को हम अगर फ्राई करेंगे ना, तो वो फिर इतना अच्छे से कुक नहीं होगा, वो फिर अनकुक रहेगा। चलिए जी, हमारा स्ट्रिप्स मैरिनेट हो गए हैं, 3-4 घंटे बाद हम अब इनको कोटिंग करेंगे, वही जो हमने बैटर बनाया था, डबल कोटिंग करेंगे इसको। बस इसी तरह हमने सब पीसेस को करके रख लेना है। ऐसे ही हम सारे वन बाय वन करते जाएंगे। चलिए जी, अब हम वन बाय वन स्ट्रिप्स को डालते जाएंगे, और हमने इसको और जो है ना फिल नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा हम भर देंगे ना इसमें, तो फिर वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे ना, क्रिस्पी नहीं होंगे।
अच्छा हमने इनको मीडियम फ्लेम पे करना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं हमने करना, इनको मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि अंदर से भी, क्योंकि ऊपर का क्रैक जल्दी वो हो जाता है ना, तो अंदर से चिकन भी कच्चा रहेगा। तो बस 10 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से चिकन पक जाए। ये देखिए हमारे मसाला के गोल्डन फ्राई हो गए, इतना हमने इनको फ्राई करना। ये देखिए ये कलर होना चाहिए, बहुत प्यारे बने हैं और टेस्टी है। बस अब हम इनको डिश आउट करेंगे। थोड़ी सी मेयोनीज 1-2 टेबल स्पून, थोड़ी सी केचप, बस इनको हम मिक्स करेंगे और ये हमारी डिप रेडी है। स्ट्रिप के साथ आपको जो डिप पसंद है आप वो यूज़ करें इसके साथ। इसके साथ आप ग्रेवी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी हमारे मज़े के यमी यमी चिकन स्ट्रिप्स रेडी हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, चिकन बाइट्स के लिए मुझे 1.5 केजी के करीब चिकन ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं मैंने, तो ये आप कट करवा लें बोनलेस जो टिक्के की शेप में, तो उसमें ये मसाले जाएंगे। मसालों में 1 टेबल स्पून क्रश जो दड़ा मिर्च है, क्रश चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून साल्ट है। तो ये सब मसाले इसमें डालेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस, और 2 एग हैं, 1 या 2 एग, एग के हिसाब से आप देख लें अगर बड़ा है छोटा है, तो ये 2 एग, और ये मेरे पास कॉर्न फ्लावर है, कॉर्न फ्लावर 4 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके, तो हमने तकरीबन 1-2 आवर के लिए इसको रेस्ट देंगे, फिर हम इनको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे हमने क्या करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी ऐड कर लें थोड़ा, क्योंकि मैंने 2 एग डाले हैं ना, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की। बस ये हम मैरिनेट करके 1-2 घंटे के लिए रख देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया, तो अब इसको 1 बाय 1 मैं करके कढ़ाई में डालती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म करने के लिए मैंने रखा हुआ है कि एक एक करके बाइट में इसकी डालती जाऊंगी। हमने इनको गोल्डन फ्राई कर लेना है दोनों साइड से। रमज़ान में बनाएं और इंजॉय करें, बच्चों को बना के दें, बड़े बच्चे सब ये खुश होकर खाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक है सबको। अल्लाह ताला सब के रमज़ान के रोज़े कबूल करें, जो इबादतें होती हैं हमसे अल्लाह ताला कबूल करें।
बस हमने दोनों साइडों से मीडियम, बहुत ज़्यादा भी हाई फ्लेम ना रखें, मीडियम फ्लेम रखा हुआ मैंने, तो इसको हमने बस गोल्डन फ्राई करना है दोनों साइडों से। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रैगन रोल्स के लिए। मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 2-3 टेबलस्पून ऑयल है, और अब इसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिल्ली, तकरीबन ये 2-3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम कुछ देर के लिए सोटे करते हैं। बस जब हल्की सी खुशबू आने लगे, हमने इसको जलाना नहीं बहुत ज़्यादा। अब ये बोनलेस चिकन है, लेग थाई का मैंने पार्ट लिया, तो ये तकरीबन 1 kg के करीब है, तो इसको मैं इसमें डाल के अब अच्छे से भूनूंगी। अब इसको इतनी देर तक हम कुक करते हैं जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, तो अच्छे से हम इसको फ्राई करते हैं, तो इसके कलर चेंज जब होगा तो फिर हम इसमें बाकी स्टेप बताएंगे हमने क्या करना है। आप फ्रेंड्स देखें, हमारे जो चिकन बोनलेस चिकन है उसने कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रही हूँ। ये सारे मसाले तकरीबन 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 tablespoon क्रश चिली पाउडर और 1 tablespoon साल्ट है, तो इसका इतनी देर तक हम करते हैं ना इनको कि इनका पानी थोड़ा सा सूख जाए। तो इसमें मैं अब डालने लगी हूँ 1-3 tablespoon टमाटो केचप, हाइंस की मैंने ली है, तो आपके पास जो भी है आप इस्तेमाल कर लें। बस हम इसको डाल के अच्छे से भूनते हैं, इसका पानी सूख जाए, फिर मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूँगी, ताकि हमारे वेजिटेबल जो है ना वो ज़्यादा हमने उनको कुक नहीं करना, उनका हमने क्रंच रखना है। बस इनको इतनी देर करते हैं कि इसका पानी सूख जाए। अच्छा फ्रेंड्स, ये 2 tablespoon कैशू नट्स क्रश मैंने हैंड से क्रश किए हैं, बेल पेपर हैं ये तकरीबन 2 bell pepper हैं, इनको आप जैसे भी आपने काटना है इनको काट लें। ये कैबेज है, 1 bowl कैबेज का है, और 1 जो है ना इसका कैबेज का है, और इसमें हम डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 1 tablespoon सोया सॉस डालूंगी, 1 tablespoon के करीब सोया सॉस, और विनीगर डालूंगी इसमें तकरीबन 1 tablespoon के करीब विनीगर। बस अब हम इसको अच्छे से इतनी देर तक कुक करते हैं कि वेजिटेबल भी हमारी टेंडर हो जाए, और हमारा चिकन तो टेंडर हो गया, बस मेन हम अब वेजिटेबल्स को हमने इतना करना है कि वो उनमें क्रंच बाकी रहे, बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है इनको। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने अब इसको फ्लेम ऑफ कर दिया, तो बस अब ठंडे हों तो हम इसको रोल में फिर स्टफ करेंगे ना, तो बस इसको ठंडा होने का हम वेट करेंगे। चलें फ्रेंड्स, अब हम रोल बनाने लगे हैं।
तो रोल मैं दो तरीके से बताती हूँ जैसे हम बना सकते हैं। बस हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं इसमें डालना, थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे। एक तो तरीका ये है, मैं इस तरह से भी बनाती हूँ। ऐसे रख के तो इसमें हम ये ब्रश के साथ लगाएंगे। तो फिर इनको ऐसे करना है। अगर थोड़ा डालेंगे तो वो थोड़े से पतले बनेंगे, अगर ज़्यादा डालेंगे तो इस तरह मोटे बनेंगे। अब एक तरीका ये है, ऐसे सेंटर में डालें तो इसको ऐसे कर लें। ऐसे बस हमने रोल करते जाना है। वो मैंने मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के उसका मिक्सचर बना लिया। बस इसी तरह से, अगर आपको इस तरह से इजी लगता है तो आप इस तरह से बना लें, अगर दूसरी तरह से इजी लगता है, मेरे ख्याल में ये अच्छा तरीका है, इससे इजी हो जाता है ना, तो शेप भी अच्छी आई है इसकी। तो उस तरह से मैं करती हूँ तो उसकी साइडों से थोड़ा सा निकल आता है। इसकी शेप बिल्कुल सही आई है, देखें यहाँ से, यहाँ से, और इसकी मैं बनाती हूँ ना तो फिर इसका थोड़ा सा एक्सेस यहाँ से निकल आता है। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है। बस इसी तरह हम करके सब रोल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे रोल बन के रेडी हैं। अब कुछ मैंने जिप लॉक बैग में डाले हैं और रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर दिए हैं। तो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा आपको दिखाने के लिए, फ्राई के लिए रखी हैं। तो बस ऑयल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया। ये देखिए मैंने इधर ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया। बस ऑयल हमारा गरम हो तो मैं फिर इनको डीप फ्राई करूँगी। तो हमने हल्के हल्के से गोल्डन इनको फ्राई करना है। तो बस हमारा ऑयल गरम हो तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। अब एक एक करके हम डालते जाते हैं। रमज़ान के लिए आप बना के जिप लॉक बैग में रख लें तो काफ़ी आसानी हो जाती है रमज़ान में, तो झटपट से निकाल लें और बना लें। बस हमने इनको दोनों साइड से गोल्डन फ्राई करना है। बस फायर जो है मैंने वो बहुत तेज़ नहीं रखी हुई, मीडियम रखी हुई है ताकि ये जले ना अंदर से भी अच्छे से। अगर फ्रोज़न आप कर रहे हैं तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे करें। बस जब डालें आप फ्राई के लिए तो ये आपने ख्याल रखना है कि ऑयल जो है ना वो काफ़ी गर्म हो, क्योंकि ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो फिर वो फटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ठंडे में बिल्कुल नहीं डालना, आपने गर्म गर्म ऑयल में डालना है ताकि वो अच्छे से वो क्रंच उसमें आए। और मैंने फुल जो है ना वो जब ऑयल हॉट हो गया ज़्यादा, फिर मैंने इसमें ना रोल डाले हैं। तो जब फ्रोज़न आप बनाएं ना तो फ्रोज़न आप उसको थोड़ा सा जब डालें तो कुछ देर बाद मीडियम फ्लेम कर दें ताकि अंदर से उसका अच्छे से वो पक जाए और गर्म हो जाए।
उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। With Vinted, you can